नमस्कार दोस्तों, आज एक और नई ट्रिक लेकर आपके सामने मैं आया हूं। बहुत बढ़िया ट्रिक है, बड़ी बड़ी फिगर की छोटी छोटी ट्रिक है। आज हम आपको बताएंगे कि किसी भी एनी थ्री फिगर का होल स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। ज़्यादा ज़्यादा आपको, जब आप इसको मेंटली करना शुरू करेंगे तो ज़्यादा ज़्यादा आपको इसमें 3 से 4 सेकंड लगने चाहिए। लेकिन अभी मैं आपको जो बताऊंगा वो धीरे धीरे बताऊंगा ताकि आपको क्लियर होता चला जाए। जो जो बताऊंगा उसको आप कॉपी में लिखें, उसकी प्रैक्टिस करें, वीडियो को भगा के ना देखें। आप भगाएंगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको फिर वीडियो में वापस आना पड़ेगा, क्योंकि हर स्टेप में कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। तो चलते हैं एक नई ट्रिक के लिए, कोई भी 3 डिजिट का होल स्क्वायर। सबसे पहले ले लेते हैं 101 का। अब इसके स्टेप्स समझिएगा, बड़े सिंपल स्टेप्स हैं, लेकिन सिंपल उन्हीं लगेंगे जो को जिसको आता है। क्या करना है इसमें, सबसे पहले जो सबसे पहले हमारी फिगर है उसका एज इट इज स्क्वायर ड्रॉप कर देना है। 1 का स्क्वायर मैं ब्रैकेट में लिखता चला जाता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले हमने 1 का स्क्वायर लिखा, उसके बाद ये जो दोनों फिगर हैं इन दोनों फिगर का मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे हुआ, 1 × 0 × 2। उसके बाद ये जो 3 फिगर इनको लेना है, इसमें जो ये पहली और आखिरी फिगर है इसको मल्टीप्लाई करना, 1 × 1 × 2 और प्लस जो बीच की फिगर है उसका स्क्वायर। देन लास्ट में क्या आया हमारा, हमने अब ये जो 2 फिगर हमारे पास हैं इन दोनों फिगर को मल्टीप्लाई करना है, यानी 0 × 1 × 2 और लास्ट में जो फिगर बची उसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको लिखते चले जाइएगा, 1 का स्क्वायर 1 × 0 × 0 1 × 1 × 2 + 0 = 2 0 × 1 × 0 = 2 एंड 1 का स्क्वायर 1। दिस इज द आंसर। ये मैंने इतनी डिटेल में आपको इसलिए बताया है, अदरवाइज आगे हम इसको एज इट इज डायरेक्ट करते चले जाएंगे। एक और फिगर हम ले लेते हैं, 114। अब देखिएगा कि अब मैं 114 में ये स्टेप्स नहीं लिखूंगा, लेकिन ये स्टेप्स हमको फॉलो करने हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, जो पहली फिगर है उसको एज इट इज उसका स्क्वायर ड्रॉप कर दिया, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। उसके बाद इन दोनों फिगर को मल्टीप्लाई किया, 1 × 1 × 2 2 आ गया, नो प्रॉब्लम। देन ये जो फिगर है 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 1 × 4 = 4 × 2 कितना हुआ, 8 हो गया। मैं यहां 8 आपके लिए लिख देता हूं, 1 × 4 × 2 आपको अदरवाइज ये माइंड में करना है, बड़ी फिगर नहीं है। देन क्या करना है आपको, बीच वाली फिगर का होल स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर = 1 दोनों को जोड़ लेना है, 9 आ गया आपका। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 9। उसके बाद क्या है, ये जो 2 फिगर है हमारी इनको मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करता, 1 × 4 × 2 = 8 एज इट इज लिख देना है। देन ये जो 4 है इसका स्क्वायर इज 16, आंसर इज 6 9 9 2 1। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अगली फिगर ले लेते हैं, कोई और बड़ी फिगर ले लेते हैं, एक और फिगर लेते हैं, 236। ओके, क्या करना है, 2 का स्क्वायर एज इट नीचे उतार दिया, दिस इज 4, 2 × 3 = 6 × 2 = 12 1 carry over 2 नीचे आ गया। उसके बाद 2 × 6 = 12 × 2 = 24 एंड 3 का स्क्वायर 9 = 33 राइट, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 3 × 6 = 18 × 2 = 36
एंड देन 6 का होल स्क्वायर इज 36। आंसर आपके सामने 6, 9, 6, 5 एंड 5। यदि इस फिगर को आप गुना करेंगे तो मैंने यहां पे आपको ये लिख के बताया है, आपको बहुत लंबी फिगर इसमें आएगी। ठीक है, लग रहा है खेल मजा आ रहा है, बस ऐसे मजा लेते रहिए। मैंने आपको, मैंने मेरा अपना ये प्रॉमिस है कि मैं आपको मैथमेटिक्स को गणित कहते हैं खेल बना दूंगा, लेकिन आपको मेरे से प्रॉमिस करना पड़ेगा जो स्टेप्स मैं आपको सिखा रहा हूं उसको वन बाई वन आप सीखे। एक और अगली फिगर हम ले लेते हैं, नेक्स्ट फिगर ले लेते हैं हम 389। बड़ी कुछ फिगर ले लेते हैं, आपको छोटी छोटी फिगर लग रही होंगी लेकिन हमारे लिए बड़ी और छोटी फिगर और फिर आपके लिए भी कोई मायने नहीं रखती। इसका हमने स्क्वायर नीचे ड्रॉप कर देना, 3, 3 या 9, उसके बाद इन दोनों को गुना करना है, 3, 8 या 24 into 2, 4 यहाँ कैरी और होगा, 8 नीचे आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। फिर ये तीनों हमारे पास आ गए, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और डबल कर देना है और इसका स्क्वायर जोड़ देना है, 3, 9 या 27 plus 2 into 2, 54, यहां लिख देता हूं आपके लिए, एंड 8, 8 या 64, 8, 5 and 6, 11। इसको आपको माइंड में करना, आपको आता भी माइंड में करना, लेकिन हम लिख दिया तो डबल वन यहां पे आ जाएगा और 8 यहां पे। ये मैंने पहले भी आपको बताया था, जब भी कैरी ओवर होगा चाहे डबल फिगर में हो चाहे सिंगल में हो, इस फिगर के पिछली फिगर के पीछे ही आएगा। तो क्या किया हमने, 3, 9 या 27 into 2, या मैं लिख देता हूं आपके लिए, हो सकता है आपको समझ में आया, 3, 3, 9 into 2, ये 54 आ गया, एंड 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ दिया, 118, 11 यहां हमारा कैरी ओवर आ गया, 8 यहां पे आ गया। उसके बाद क्या करना है, ये दो फिगर हमारे पास है, 8, 9 या 72 into 2, 144, आता है हमको 14 यहां गया और 4 यहां पे आ गया। अब हमारी लास्ट फिगर क्या बची, 9, 9 का स्क्वायर 81, हमने यहां पे लिख लिया, इनको जोड़ दिया, 1, 8 plus 4, 12, एक कैरी ओवर हो गया, 15 plus 8, 23, 2 कैरी ओवर हो गया, 13 plus 8, 21, 2 कैरी ओवर हो गया, 6 plus 9, 15। दिस योर आंसर, राइट। नेक्स्ट फिगर ले लेते हैं, ये मैं आपको सब क्लियर करके बता रहा हूं, राइट। अदरवाइज ये फिगर जब आप मेंटल करेंगे, क्योंकि 3 का स्क्वायर निकालना आपको आता है, 3 into 8, 24 into 2 भी आपको आता है, 3, 9 जा आपको आता है, उसको डबल करना भी आपको आता है, फिर 8 का स्क्वायर भी आपको आता है जो हमने भी बताया। ये सारी फिगर आपको अल्टीमेटली मेंटली करनी है। एक और फिगर आपके लिए ले लेते हैं, 5, 6, 8 का होल स्क्वायर क्या करना है, 25, यानी 5 का स्क्वायर 25, 5, 6 30 into 2, 60, 5, 8 या 40 into 2, 80 and 36, कितना हुआ, 116, 116, 116, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे, राइट। देन उसके बाद 6, 8 या 48 into 2, 96 एंड 8, 8 या 64, टोटल कर दिया, 4 का 4, 6 plus 6, 2, 1 कैरी ओवर, 10 plus 6, 16, 1 कैरी ओवर, 12 plus 0, 12, 1 कैरी ओवर, 7 plus 5, 12, 1 कैरी ओवर एंड 3। आंसर इज रेडी। नेक्स्ट लेते हैं, ये जितने मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा हूं, इन एग्जांपल्स को धीरे धीरे आपको सीखना है। एक एग्जांपल हम और लेते हैं, 613 का होल स्क्वायर 36, 6, 1, 6 into 2, 12, 6, 3 या 18 into 2, 36 and 1, 37, 1, 3 या 3 into 2,
सिक्स एंड थ्री थ्री एंड नाइन, नाइन सिक्स सेवन फाइव सेवन थ्री, दिस द आंसर राइट। एक और हम आपके लिए ले लेते हैं, सिक्स वन थ्री का होल स्क्वायर, सॉरी हमारे बच्चे बता रहे हैं तुमने कर लिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हमारी क्लास चल रही है, इनको सबको पता है हमने क्या कर लिया है। तो नेक्स्ट लेते हैं हम 823 ले लेते हैं, ठीक है, फिगर कोई भी ले लेते हैं, क्योंकि हमारे को 613 हमारे पे थी, मुबेरटी भी थी, हमने कर लिया, तो 88 जा 64 कोई दिक्कत नहीं, 82 जा 16 इंटू 2 32, 83 जा 24 इंटू 2 48 प्लस 4 52, 23 जा 6 इंटू 2 12 एंड 33 जा 9 9 2 3 7 7 6 राइट, समझ में आ रहा है। दो या तीन एग्जांपल्स और ले लेते हैं आपको समझाने के लिए, लास्ट में जो मैं आपको बताऊंगा वो डिटेल में फिर आपको समझाऊंगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, आ रहा है बजा, लग रहा है आपको खेल, क्योंकि ये सीक्वेंस आपको मालूम होनी चाहिए, पहले कौन सा लिखना है, फिर दूसरा लिखना है, फिर तीसरा लिखना है, फिर चौथा लिखना है, आपको बिल्कुल क्लियर होता चला। दो या तीन एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, और बड़ी फिगर लेते हैं हम तो आपके लिए। अभी हम फिगर ले लेते हैं कि 793, ठीक है, 7 × 7 7 का स्क्वायर 49, नो प्रॉब्लम, 79 जा 63, 63 टू जा 126 लिख दूं, वेरी गुड, ये लीजिए 126, 12 हमें यहां पे लिखना, ध्यान रखना 9 के ऊपर ही, 4 के ऊपर ना पहुंच जाए राइट। उसके बाद 73 जा 21 इंटू 2 42, 99 जा 81 मैंने यहां पे इसलिए लिख दिया ताकि आपको थोड़ी और क्लैरिटी बन जाए, 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 8 12 यानी कि 3, देन 93 जा 27 इंटू 2 54 एंड 33 जा 9 9 4 8 18, 1 का कैरी ओवर 13 प्लस 9 22, 2 का कैरी ओवर 2 प्लस 4 6 राइट, समझ में आ रहा है, क्लियर है। वन मोर एग्जांपल, सबसे बड़ा एग्जांपल इसका ले लेते हैं, तीन डिजिट का अप्रोक्सीमेटली 988 ले लेते हैं, 988 ले ले, 989 ले ले, 998 ले ले, कुछ भी ले सकते हैं। सो अगेन, अब इसको मैं थोड़ा सा दोबारा से आपको स्लो स्लो बताता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे पास तीन फिगर है, मैं यहां पर लिख देता हूं 1 2 एंड 3, तीन फिगर हमारे पास हैं। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, पहली फिगर को काम को स्क्वायर कर लेना है, तो अब मैं इसको लिखता हूं 9 का और इसका सबसे पहले हो गया। उसके बाद 1 एंड 2 फिगर, 1 और 2 फिगर का मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, तो 9 × 8 × 2। फिर क्या करना है, 1 एंड 3 जो ये फिगर हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई करके इनको हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस 8 का जो स्क्वायर है उसको प्लस कर देना है, ठीक है। उसके बाद 2 एंड 3 जो हमारी फिगर हैं, सेकंड एंड थर्ड, इनको हमको क्या करना है, दोनों को गुना करना है और डबल कर देना है, 2 से गुना कर देना है, और लास्ट में 8 का स्क्वायर। ये मैंने आखिर में आपको फिर बता दिया है ताकि आप यदि कुछ छूट गया हो तो आप लिखते चले जाएं। सबसे पहले 9 का स्क्वायर 81 लिख दिया, 9 8 72 एंड 72 × 2 144, सो 14 यहां आएगा और 4 यहां आएगा, 9 8 72 72 × 2 144 एंड 144 × 64 144 प्लस 64 कितना हो गया 8 0 208 208
20 यहां पे आएगा, 8 यहां पे आएगा, मिस्टेक ना हो जाए किसी बार। ये जो 14 है ये 1 का कैरी ओवर है, और ये 20 है ये 4 का कैरी ओवर है। ठीक है, अगला ले लेते हैं 8 × 8 64 × 2 128। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 128 गुड। एंड 8 × 8 64 6 + 8 = 14 1 कैरी ओवर, 13 + 8 = 21 2 कैरी ओवर, 22 + 4 = 26 2 कैरी ओवर, 16 + 1 = 17 1 कैरी ओवर एंड 9। दिस इज अवर होल, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड। ध्यान रखिए, अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रही हैं तो इनको लाइक करिए, इनको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आइकॉन की बेल बजाइए, ताकि कंटिन्यूसली आपको ये हमारी जो वीडियो मिलती चली जाए। नव वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू वेरी मच।